एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बजे हैं और आज डेट है 21 जुलाई। और बस हम रेडी हैं। देखिए, एक कुर्ता मैंने मिंत्रा से लिया था, मेरी जो पुरानी चैनल है उसमें मैंने बताया था। तो बस अभी जस्ट हम रेडी हुए हैं, जा रहे हैं सारंगपुर। और आज झांसी के गौरी व्रत का दूसरा दिन है, तो सोचा कि चलो घर में रहकर वो बोरिंग हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि हम कहीं घुमाते हैं। तो वैसे तो फिक्स था हमारा कि जब गौरी व्रत आएगा तब हम सारंगपुर घूमने के लिए ज़रूर जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ, जिगर है और जानसी है, दिव्या नहीं आ रहा है। दिव्या यहाँ घर पे ही रुकेगा, मैंने उसको बोला कि चल, तो वो बोल रहा है कि मुझे नहीं आना है, तो फिर वो नहीं आ रहे हैं। तो हम तीन लोग जा रहे हैं, बस रेडी हैं। तो चलिए हम निकलते हैं सारंगपुर के लिए और फिर बीच रास्ते में आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 2:01 हैं और अभी हम पहुंचे हैं धंधुका। और बस भूख लगी है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है। तो अभी लाए हैं ब्रेड पकोड़ा और झांसी लेने गई है आइसक्रीम। तो बस आधे घंटे में या 1.25 घंटे में हम सारंगपुर जो है वो पहुंच जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी प्लेट। वैसे दिखने में तो बहुत यम्मी है, खाने के बाद पता चलेगा कि कितना यम्मी और टेस्टी है। तो आज तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और बस आप भी ज्वाइन हो जाइए। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं सारंगपुर। तो देखिए, ये सारंगपुर का मंदिर है। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हम लेट हो गए हैं क्योंकि मंदिर में जो दर्शन है वो बंद हो गए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, वैसे तो भगवान के दर्शन करने हो तो वेट तो करना ही पड़ता है, तुरंत दर्शन हो जाए वो दर्शन नहीं कहलाते। तो बस यहाँ पे हम घूम रहे थे, बहुत अच्छा है यहाँ पे घूमने का, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे बच्चे। तो देखिए, जान से भी बहुत इंजॉय कर रही हैं। तो सोचा चलो थोड़ी देर बाहर मार्केट में घुमाते हैं। तो यहाँ छोटा सा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट नहीं है और इतनी सारी शॉप भी नहीं है, पर अच्छा सामान मिल जाता है इसके अंदर, और मतलब कि शॉप में। तो यहाँ देखिए, होम डेकोरेट के लिए मिट्टी का सामान बहुत मिलता है और मैंने लिया है यहाँ पे, वो पीस मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, पर इतना ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि मिट्टी का लेकर भी क्या करें, जल्दी टूट भी जाता है। और वापस हम आ गए थे मंदिर में, तो हमें अच्छा लग रहा था मंदिर में क्योंकि बारिशों वाला मौसम भी था और घूमने का बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए, यहाँ इतनी ज़्यादा पब्लिक तो नहीं है, सब वेट कर रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो शूट कर रहा है, कोई बैठ कर ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। तो बस मैं और झांसी दोनों यही कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। फिर बाद में टाइम हो गया था, तो देखिए यहाँ कितनी भीड़ लगी है। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं, बाद में आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मंदिर के दर्शन के द्वार खुल गए हैं और हम अंदर जा रहे हैं। बहुत भीड़ हो गई थी जब मंदिर के द्वार खुले तब, और जितना हो सकेगा उतना ही मैं शूट करूँगी, ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ पे शूट करना, फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत आपको दर्शन करवा लूँ मंदिर के अंदर से, तो अंदर से तो जितना हो सका उतना मैंने शूट किया। और उसके बाद हम आ गए थे बाहर, तो आप दजा के भी दर्शन कर लीजिए और उसके बाद हरि मंदिर। तो हरि मंदिर तो बहुत सुंदर है, तो चलिए दर्शन करते हैं।
જે નાખી લઈને પછી તું નાખજે હો. લઈ લે લઈ લે લઈ લે. फ्रेंड्स लास्ट में हम आए थे गौशाला देखने के लिए और फ्रेंड्स जितना भी हो सका उतना मैंने आपके साथ सारंगपुर मंदिर दर्शन शेयरिंग की है. अगर मैं सब कुछ शेयर करती तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, एक या दो घंटे का भी हो जाता. तो वैसे मैंने जितना हो सका उतना आपके साथ शेयर किया है. बहुत अच्छी जगह है देव दर्शन के लिए भी और घूमने के लिए भी. तो एक बार ज़रूर ट्राई करना जो गुजरात के बाहर है ना, जो कभी सारंगपुर नहीं आए हैं तो आने की सोच रहे हैं तो जल्दी आ जाना सारंगपुर दर्शन के लिए. तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ. आई होप कि मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा. तो मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय.